तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आज फाइनली हमारी 500 डेज की स्ट्रीक कंप्लीट हो गई है। अब आगे का पता नहीं, लेकिन एक बात जो पता है वो ये है कि अब आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स सक्सेस स्टोरी का फॉर्मेट बदल जाएगा। पहले सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बताते थे, मैंने इतने पैसे जीते और फिर मेरे घर वालों ने मना नहीं किया ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए। लेकिन अब बताया करेंगे कि मैंने 30 दिन के लिए गेम में कपड़े जीते और फिर मेरे घर वालों ने खूब धुलाई की मेरी, और उसके बाद मैंने पढ़ाई में मन लगाया और सक्सेसफुल बना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेटर रॉकी भाई की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से बेस्ट ऑलराउंडर कौन है अभी। मामू, अभी बेस्ट ऑलराउंडर है माफिया, सास्के, टीएम डिलीट, लिखी एंड वंस बाला भाई। आज की डेट का बेस्ट ऑलराउंडर कौशिक मलिक है यार, डील विद दैट। हाँ, आप लोगों का ये जरूर हो सकता है, आप लोग ये मान सकते हो बिग ब्रदर कोई फैन फेवरेट नहीं है, बट मैं जो फैक्ट्स होते हैं उसी पे कायम रहता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ किसी को ये बोलने से कि क्या है क्या नहीं। मैंने इससे पहले भी कहा था फैंस हो सकते हैं माफिया या पहाड़ी के, लेकिन आज की डेट का बेस्ट स्नाइपर केडी है तो है। और वैसे ही मैं कह रहा हूँ आज की डेट का बेस्ट ऑलराउंडर कौशिक मलिक है तो है, पसंद आए ना आए फैक्ट नहीं बदल सकते। नेक्स्ट अपडेट है बाला भाई की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि 3X गेमिंग ने अपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दी। सेम सेम के लिए दुख हो रही है, उनके पैसे स्कैम हो गए। हाँ, बोल रहे थे 1 महीने की सैलरी और 2 बंदे की 2 महीने की सैलरी, ऐसा कुछ बोल रहे थे कंसर भाई। देखते हैं और क्या यार, दे देना चाहिए यार, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है गैस द वॉइस। परसों की आवाज थी जोंटी भाई की, अब आज की आवाज गेस करो। आंखों में कुछ नहीं है लेकिन माने ना दिल ये जिद। नेक्स्ट अपडेट है लेजेंड की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि लिडोमा के मैचेस में क्या इशू हुआ था। लेजेंड भाई, आज लिडोमा क्यों नहीं आया? बहुत मिस कर रहा था, और टीजी नेक्स्ट मैच क्यों नहीं खेली? देखो भाई, पहली बात मेरे को जो आईडी दी थी वो लोग ने खेलने के लिए, ठीक है, जब मैं एंट्री लिया तब वो 2 बार लॉगिन हो चुकी थी। जब गेम स्टार्ट हुई मैं लॉबी में था तब एक और बार हुई, फिर मैं रिकनेक्ट करने का, रिकनेक्ट हुई नहीं ब्रो, ठीक है। और क्रिश आज घर आ चुका था, पर उसके आसपास जो है पेड़ वेड़ गिर गए थे, ऐसा कुछ हुआ उसके यहाँ, और उसकी लाइट चली गई थी। वो 11 बजे घर पहुंच गया था, तो बाहर था ऑब्वियसली, वो तो 2-3 दिन बाहर था, तो उसके पास चार्ज नहीं था, तो आके उसे दिखा उसके घर पे लाइट नहीं है और पेड़ वेड़ गिर गए उसके घर के आसपास। भाई मेरा तो वो लोग ने पहले गेम में जो झोल किया मेरा दिमाग का वो हो गया, मैं फर्स्ट गेम रिकनेक्ट ही नहीं हो पाया हूँ भाई इतने अच्छे टूर्नामेंट में। आईडी जो दे रहे वो बंदा लॉग इन कर रहा है। अगली अपडेट है फौजी भाई की तरफ से। तो उन्होंने भी बताया लिडोमा में परफॉर्मेंस ना आने का रीजन। जोबन फौजी भाई, आज लिडोमा वाले टूर्नामेंट के बाद पूरा मन बना लिया था आज के बाद आपके लाइव नहीं देखूंगा, बट दिल के मानता नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होकर आपको गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। अरे दोस्त, सॉरी वोरी कुछ ले, देखो पहली बात तो ये है कि आपको देखना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। बूट कैंप पे लाइट नहीं है, 2 बंदे नहीं खेल सकते, मेरा पिंग बिल्कुल नहीं चल रहा है, 99+ से हट ही नहीं रहा पूरी गेम में, 10 सेकंड के लिए हट रहा है, फिर 99+ 99+, उस टाइम पे तुम क्या चाह रहे हो, दो प्लेयर मिलके क्या करे, और एक शेट्टी खेल रहा है जिसने 12 दिन से गेम नहीं खोली गिल्ड के अंदर, और उसके बाद तुम ऐसा करोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्त, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन दे सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बट अब लग रहा है आपको ज़्यादा बोलना चाहिए गाइस। अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है जीके चेक। परसों का आंसर है शिप्स इसलिए नहीं डूबते क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स लगती है वाटर की शिप पे वो इक्वल होती है उतने वाटर के जितना शिप की वजह से डिस्प्लेस हुआ है, और जब तक शिप का वेट इस डिस्प्लेस वेट के वेट से कम रहेगा वो नहीं डूबेगा। चलो आज बताओ एससीओ की पहली टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल कौन सी सिटी को बनाया गया था। अगली अपडेट है लेजेंड और ओरा की तरफ से। तो इन दोनों ने स्टेट वार्स को एक्सपोज कर दिया है। बाकी तुमने ये देखा क्या गाइस, एक चीज दिखाऊं मैं तुमको, इसका वो बता दूं, तुम सबका मूड ऑफ कर दो, बताओ जल्दी। या शायद तुमको भी पता भी हो सकती है बात, आई एम नॉट श्योर।
अरे ना अंदर क्या आज आ रही है, आज पता नहीं क्या हो गया, जादू हो गया। देखो रुको यार, ये नीचे आना गधे। चलो ठीक है, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। ऑफिशियल शॉर्ट्स तेरी वेस की डेंट। गाइस ये जो तुमको लग रहा है, देखो फ्री फायर कम बैक, डिसलाइक कर दूंगा ऐसी कमेंट लोगों में। रखे ना अपनी स्ट्रीम पे ये शॉट दिखा रहा है कि ये सऊद ऑफिशियल टूर्नामेंट वापस आने का। ओल्ड फ्री फायर विश यू, डर गया हूँ। हाय गरीना। तो भाई क्या बोलते हैं उसको, रीजनल वॉरिस है। तो भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो है वो इन गेम ही आने वाला है। एक जैसे वो सीएस का वगैरह नहीं चलता था, वैसे ही कुछ इन गेम होने वाला है, तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना। मतलब गरीना फ्री फायर कॉम्पिटेटिव सीन पूरे पूरे गेम के अंदर वापस से लेके आना चाहती है, ताकि लोग प्लेयर्स आपस में कॉम्पीट करें। अब आपको पता होगा गरीना फ्री फायर ने जब हमारे यहाँ पे ई स्पोर्ट्स भी लेकर आई थी, तब इसके पहले भी हमारा जो रीजनल बैटल था वो सबसे पहले लेकर आई, देन कॉम्पिटेटिव सीन क्रिएट हुआ। बट इसको डायरेक्टली आप ई स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं कर सकते, पता नहीं कि बहुत सारे नलायक यूट्यूबर्स अभी भी कह रहे हैं ई स्पोर्ट्स अभी नहीं है ब्रो, ई स्पोर्ट्स की जब बात होगी तब हम बात करेंगे अच्छे से। बट राइट नाउ अगर हम बात करेंगे राइट नाउ, तो सोलो के अंदर आपको टॉप 10,000 के अंदर आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड स्टेट वाइज आपको 30 डेज के लिए टी-शर्ट मिलने वाली है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि भाई देखो बार बार ही आने वाला है स्टेट वॉर्स, काफी टाइम तक गरीना फ्री फायर इसको रन करेगी, एंड इसके साथ इवेंचुअली मेरे ख्याल से हो सकता है गरीना फ्री फायर एक टाइम के बाद आप लोगों को ई स्पोर्ट्स भी दे दे, बट अभी नहीं पता। बट एक और अगली अपडेट है जीरो डिग्री के बारे में। हालांकि इस अपडेट को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन मैं बाहर गया था तो कवर नहीं कर पाया। तो मिस्टर राज ठाकुर प्रियांश अब जीरो डिग्री का पार्ट नहीं है। अब भरते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्ले बाला भाई का, जिन्होंने ना सिर्फ 1v3 किया बल्कि अपनी टीम को एक शानदार भुया भी दिलाया। और आप वर्ल्ड ऑफ बैटल, और यहाँ पे अगर आप देखें फाइट हो चुकी है, यही मौका है। अरे भैया यहाँ पे बाला भाई शायद मजे ले लेंगे, एक और नॉक निकालना है। ये बहुत बड़ा नॉक है बाला भाई बहुत बड़ा नॉक है। ये रिवाइव अगर दे देते हैं तो गड़बड़ कर देंगे, वरना बाला भाई अभी भी काम कर सकते थे, 1v2 निकल सकता है, लेकिन ग्रेनेड लॉन्चर है हर्ष पे। एक नॉक और निकाल दिया बाला भाई ने तो बात बन जाएगी। अरे नहीं, एलेक्स ओपन में आ रहे हैं, गलती कर गए। और भैया एक और नेड आई, बाला भाई पे छुई नहीं है वो नेड, आराम से दाएं बाएं से मुकाबला करना पड़ेगा। एक और ग्लू चाहिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाला भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब ग्लू नहीं है। बाला भाई एक बार फिर से कोशिश करते हुए दाएं बाएं इधर उधर शफल करते हुए, 1v2 मुकाबला है। माफिया वाला 1v1 डन। ओह माय गॉड, इट डिड इट, अनथिंकेबल। अकेले माफिया वाला ने बुया कर दिया, दिस इज अनबिलीवेबल। माफियाज एक बार फिर से अपना काम कर दिया इन्होंने, आई कांट बिलीव दिस। अगला टॉप प्लेयर फरहान का, जिन्होंने एक शानदार 1v4 किया है। फरहान अकेले 1v2 तो नहीं निकाल पाएंगे, लेफ्ट से पुश हो रहा है। राहो फरहान ने एक नॉक जरूर किया, लेकिन डिलीट नॉक हो चुके हैं। फरहान ने दो नॉक किए हैं गाइस। नहीं, गलत पोजीशन, बैट के रिवाइव देना पड़ेगा। फरहान ने दो नॉक कर दिया अकेले दो डाउन के ऊपर की तरफ खिलाड़ी में।
तीन डाउन, फरहान तीन, फरहान तीन नॉक कर चुका है, ट्रिपल किल बाय फरहान, एक प्लेयर बचा है वहां पे और पीछे हट गए जैना मोसवाल. This is the kind of a substitution which each and every mafia fans were awaiting forward. ये है वो जवाब जिसके कारण वह चार पांच महीनों से इंतजार करके रखा था. फरहान क्या वाकई में उस क्लैश लैंडिंग जिससे माफिया परेशान है चार पांच महीनों से उसका जवाब बनेंगे? और ये देखिए खुले में छोड़ दिया फरहान को, आप जाओ ब्रो, आप पीटो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मर भी जाओ क्योंकि आपने अपना काम कर दिया. अब बाला भाई को रिवाइव देना है, लेकिन दिक्कत यह टोकन कंसेप्ट ऑफ फरहान पे है जो कि दूर है. जैनम ओसवाल सामने की तरफ, फरहान बनाम जैनम, एक और एक तरीके से क्वाड्रा निकाला है फरहान ने. जैनम पीछे हटकर रिवाइव दिए थे, वरना जैनम को भी शायद क्वाड्रा कर सकते थे. अकेले फरहान ईडीएम ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया. मैं यहां माफियाज में टाइम पास करने नहीं आया हूं, सॉरी, ना तो मैं यहां टाइम पास करने आया हूं और ना इनके फैंस टाइम पास करने आए हैं. दिस इज दैट मोमेंट विच माफियाज इज वेटिंग फॉरवर्ड फॉर मंथ्स एंड मंथ्स टू कम. तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही. चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.